राजस्थान में स्थित कोटा बैराज डैम से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते चंबल नदी अपने उफान पर आ गई है, जिसके चलते अटेर क्षेत्र में चंबल किनारे के 8 गांव डूब की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कई गांव के लोगों को आज रेस्क्यू किया गया है, उसी में आप लोग का अच्छा जगह में आप लोग पहुंचवा देंगे। अब उधर का खाने का व्यवस्था वगैरह पर्याप्त है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको पूरा इधर सुरक्षित रहेंगे। आप उसको बच्ची को महिला को पहले रवाना कर दीजिए, ये मैं एसपी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है। देर रात तक 8 गांव पानी की डूब में आने की संभावना जताई जा रही है। चंबल के उफान का आलम यह रहा कि शनिवार को राजस्थान के धौलपुर जिले से एक कंटेनर बहकर मध्य प्रदेश की सीमा में आ गया। जिस समय कंटेनर बहा उस समय उस पर 6 मजदूर सवार थे, जिन्हें स्पीड बोट से पीछा कर 30 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के अम्बाह तहसील स्थित उसित घाट के पास से रेस्क्यू किया गया। जबकि कंटेनर आगे बह गया, वहीं भिंड जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। आज खुद कलेक्टर और एसपी ने जाकर पीड़ित गांव का भ्रमण किया। चंबल उफान पर आने से अटेर क्षेत्र के लगभग 8 गांव डूब की जद में आ गए हैं। इन गांव के लोगों को प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों में अस्थायी निवास बनाए गए हैं और वहां पर शासन की ओर से खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। बतौर कलेक्टर शाम तक सभी गांव को खाली करा दिया जाएगा। ग्रामीणों को बताया गया है कि देर रात तक पानी गांव को अपनी चपेट में ले लेगा, इसलिए सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। रात में रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए प्रशासन शाम तक सभी 8 गांव के लोगों को बोट के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने पुलिस के 200 लोगों की तैनाती भी की है, जो आपदा के समय ग्रामीणों की मदद के लिए तैयार है। SDRF की 2 टीमें भी अटेर पहुंच रही हैं, वहीं सेना की 40 जवानों की टुकड़ी भी 4 मोटर बोट के साथ अटेर पहुंच रही है, ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। SDRF की टीम भी आने वाली है इसी गांव में और आर्मी की टीम भी आने वाली है। अभी जो टीम है उससे हमने महिलाओं बच्चों को निकालना शुरू कर दिया है, जैसा आप देख रहे हैं, और सभी गांव वालों से ये अनुरोध किया है और इनको ये समझाइश दी है कि रात के 12 बजते जो है ये गांव डूब में आ जाएगा पूरा, इसलिए हमको किसी भी हालत में दिन छिपने से पहले गांव को खाली करना है। तो कुछ लोग तैयार नहीं हो रहे जाने के लिए, ये देखिए इसमें अब गांव वालों की ये समझ की बात है, लेकिन इनको खाली तो करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर खाली नहीं करेंगे तो फिर वो जीवन का रिस्क है। पुलिस की तरफ से लगभग 200 लोग आदमी रहे, जिसमें अलग अलग दम लोग अटेर थाने में कम से कम 50-70 लोग आदमी लगा है, और सुरपुरा में भी लगा है और कुप थाने में भी लगा है। तो इसके अलावा पुलिस से सुबह से अलग अलग बस का व्यवस्था और पूरा टीमें प्रत्येक गांव में, लगभग अटेर में लगभग 4 गांव में ऐसी स्थिति में आया है, तो 4 गांव में भी हमारा पुलिस टीम अंदर है, पूरा परी बच्चे सब लोग का रिकवर कर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाहर से भी कोई टीम बुलाई? बाहर से हम लोग SDRF का टीम आया हुआ है, वो एक टीम इधर है अटेर में, एक टीम सुरपुरा में है, और इसके अलावा आर्मी में भी हम लोग लगभग 40 लोग है, वो अभी रास्ते में है, उन लोग 4 बोट के साथ उन लोग भी आ रहे हैं, 2 बोट अटेर में आएगा, 2 बोट सुरपुरा के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। और इसके अलावा पूरा सबको मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, इन लोग बार बार हम लोग नावली वृंदावन में और बाकी गाँव में भी हम लोग प्रत्येक जगह हम लोग जा रहे हैं, उनको अवगत करा रहे, जनता को समझा रहे, जल्दी खाली करवाए, और ये इसके पूरा व्यवस्था हम लोग कलेक्टर साहब और प्रशासन की तरफ से हम लोग पूरा व्यवस्था, कॉलेज और खाना पीना सबका व्यवस्था उधर कर